हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है और लगातार भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है, उससे देश में हर तरफ ये मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं इससे बिग बॉस का घर भी अछूता नहीं रहा और वहां पर भी कश्मीर को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई, वो भी पहले ही एपिसोड से। ये तो आप जानते ही हैं कि बिग बॉस 13 का शानदार आगाज हो चुका है, लेकिन शो की शुरुआत में ही सेलेब्स के बीच टकरार का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल आज के एपिसोड में पारस और आसिम के बीच बेहद जबरदस्त फाइट होने वाली है। बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया है कि कश्मीर से आसिम कहते हुए नजर आएंगे कि ये पंजाब की लड़की है, मैं जम्मू का लड़का हूँ। जिसके बाद बाकी के मेल कंटेस्टेंट्स आसिम पर चिल्ला पड़ते हैं। सिद्धार्थ दे कहते हैं कि वोट लेने के लिए बार बार ऐसा बोल रहा है। उसके बाद पारस भी आसिम की इस बात पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या लगा रखा है, मैं जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर। पारस की ये बात सुनकर आसिम भी बौखला उठता है और कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जहाँ से मैं आया हूँ। इसके बाद पारस कहते हैं कि इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जम्मू कश्मीर से पहली बार आके एक लड़के ने। दोनों की बहस बढ़ती चली जाती है। पारस की बातें सुनकर आसिम कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद पारस आसिम को कहते हैं कि तू रेसिस्ट है। दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच एक दिन में ही दो बार झगड़ा हो चुका है। फिलहाल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह सलमान ने कहा था कि इस बार का शो वाकई में फास्ट फॉरवर्ड है, तो तभी तो शो में एंट्री करते ही इतने बड़े मुद्दे को लेकर घर में बवाल मच गया है। लगता है मेकर शो की टीआरपी के लिए अभी से घर में विवाद शुरू करना चाहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि पिछली बार का सीजन टीआरपी में फ्लॉप रहा था, यही वजह है कि सीजन 13 को पहले दिन से गरमाया जा रहा है। खैर, आसिम और पारस की ये लड़ाई आगे क्या मोड़ लाती है, वाकई में ये देखने वाली बात होगी। देखना तो ये भी दिलचस्प रहेगा कि सलमान खान वीकेंड के वार पर पारस और आसिम में से किसकी बैंड बजाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों में से किसकी गलती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।